हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाज़दीन। यस फ्रेंड, तो आज आपके लिए बनाने वाली हूँ, आज मैं आपके लेके आई हूँ न्यू रेसिपी हलवा। यस, सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनता है, खासकर वो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपनी अमारा के लिए सूजी का हलवा। उसे हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड। तो सी जैसे कि मेरा, देखिए मेरा सारा सामान रेडी है यहाँ पे। ये मेरी सूजी है आधी कटोरी, ये मेरी कद्दूकस की मैंने गरी, ये मेरे मगज, ये मेरी किशमिश, ये मेरे बादाम, ये मेरे काजू हैं, अखरोट है, और ये कुछ 3 साबुत बादाम, ये मेरी शुगर है। यस फ्रेंड, मेरी यहाँ पे ये जो मैंने कढ़ाई रखी है ये मेरी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी सूजी। यस फ्रेंड, तो सूजी हमें जब तक ये भूननी है तब तक हमारी अच्छे से खूब ये ब्राउन ना हो जाए फ्रेंड। हमें कंटिन्यू इसे भूनना है और स्लो पे भूनना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। यस, गैस का फ्लेवर हमें बिल्कुल स्लो रखना है, फुल नहीं रखना है फ्रेंड। तो ये हमारी अच्छे से ब्राउन हो जाए, अच्छे से खूब अच्छे से भून लें हम इसे। तो हम इसे भूनते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, सूजी के भूनने के बीच में ही हमें इसमें थोड़ा सा अपना इसमें हमें हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे। यस फ्रेंड, मैंने इसमें इतना घी डाला है, आप चाहे तो और डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, एज योर विश। तो मैंने इतना घी डाला हुआ है। इसको घी डालने के बाद में हम अच्छे से खूब अच्छे से भूनेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये हमें जब तक भूनना है जब तक ये हमारा अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। इसको आपको भूनने में टाइम लग जाएगा कम से कम 10 मिनट या फिर 20 मिनट भी लग सकते हैं। इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लें, उसके बाद में हम नेक्स्ट यहाँ पे साइड में हम अपनी चाशनी के लिए बॉटर चढ़ा देते हैं। एक तरफ हमारी चाशनी बन रही है, तो हमारा ये ब्राउन हो रहा है फ्रेंड। तो हम इसे अच्छे से भून रहे हैं सूजी को। उसके बाद में हम एक तरफ अपनी यहाँ पे वाटर डाल देती हूँ मैं 1 गिलास। यस, क्योंकि मेरी सूजी आधी कटोरी है तो हम 1 गिलास ठीक रहेगा, या फिर डेढ़ गिलास भी डाल सकते हैं आप। और उसके बाद में हमारा ये पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा, चाशनी बॉयल हो जाए, हल्का सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें शुगर डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरी ये सूजी भून चुकी है, अच्छे से खूब ब्राउन हो चुकी है। अब इसको हम अलग निकाल। ये देखिए फ्रेंड, मेरा यहाँ पे वाटर ये हल्का हल्का इसमें बॉयल आ रहा है। इसमें अब मैं डाल दूंगी अपनी शुगर थोड़ी सी। मैंने अपने हलवे के अकॉर्डिंग शुगर डाली है इसमें थोड़ी। आप चाहें तो, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद में मैं जो ड्राई फ्रूट है ये कटे हुए मैं इसमें थोड़े थोड़े डाल दूंगी अपने ड्राई फ्रूट। थोड़ा सा नारियल, थोड़े से मगज, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से बादाम कटे हुए एंड थोड़े से काजू और अखरोट। ये हमारा अच्छे से चाशनी रेडी हो जाए। इसी में ही हम अपना थोड़ा सा कलर डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें कलर डाल दिया, कलरफुल डाल दिया है। अब ये हमारा अच्छा, मुझे रेड हलवा पसंद है, आज मैं अपने हमारे के लिए रेड वाला हलवा बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसमें कलरफुल डाला हुआ है। यस फ्रेंड, तो ये हमारी अच्छी चाशनी पक जाए, अच्छे से थोड़ी सी बॉयल हो जाए, बस उसके बाद में हम अपने हलवे में इसको डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरा ये पानी वाटर बॉयल हो चुका है चाशनी वाला। अब हम अपने हलवे में इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें अपना वाटर की चाशनी मैंने बनाई थी वो मैंने डाल दी अपने हलवे में। देखिए कितना अच्छा। अब इसको हम हल्के हल्के हाथ से धीरे धीरे चलाएंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको स्लो पे रख के ढक के हल्का सा पकाएंगे ताकि हमारा हलवा खूब अच्छे से फूल जाए। फ्रेंड देखिए, ये मेरा जो हलवा हमने बनाया था रेड कलर का, ये देखिए कितने अच्छे इसमें मगज दिख रहे हैं, ये देखिए वाइट वाइट सी। तो ये हमारा हलवा बन के रेडी है, अब इसे हम करेंगे सर्व। ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो हलवा मैंने जो सर्व किया था, सर्व करके ये हमारा हलवा रेडी है फ्रेंड। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड ढेर सारा शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर अभी न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो न्यू लाती रहूं। मैं हर तरीके की वीडियो बनाती हूं फ्रेंड आप लोगों के लिए। बस आपका ढेर सारा लोगों का मुझे प्यार चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए एंड कमेंट चाहिए।
यस फ्रेंड, क्योंकि आपके मुझे अगर कमेंट या सब्सक्राइब और लाइक मिलेंगे तो उससे मेरे को अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का और अच्छा अच्छा मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती लेके आती रहूँगी फ्रेंड। तो आपको मेरे को ये हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मेरा हलवा रेडी है फ्रेंड, तो मैं अपनी अमायरा को खिलाने के लिए ले जा रही हूँ, अपनी फैमिली को खिलाने ले जा रही हूँ। और आप भी बनाइए ऐसी हलवा और आप भी खाइए, पूरी फैमिली को खिलाइए। तो फ्रेंड ओके, मैं अपनी न्यू वीडियो साथ में आप साथ में मिलूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड। ओके फ्रेंड, बाय बाय।